बारिश होती गई, बरसती गई सौगाते कौशाम्बी के लिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं कौशाम्बी के चायल विधानसभा के सकाड़ा मूरतगंज में भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम की, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा कौशाम्बी के लिए सौगाते बरसती रही। एक तरफ बारिश की बौछारें, दूसरी ओर विभिन्न परियोजनाओं की सौगातों की बारिश। गौरतलब होगी कौशाम्बी के कोखराज के सकाड़ा मैदान में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को सपनों का शहर निर्मित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वह प्रयागराज की फफा मऊ क्षेत्र में टेबल स्ट्रीट ब्रिज बना रहे हैं, जो रिवलविंग एवं आर्ट गैलरी से सुसज्जित रहेगा। यह पुल दुनिया के आकर्षण का केंद्र होगा। इसके अलावा प्रयागराज शहर के अंदर डबल डेकर ब्रिज का निर्माण कराएंगे। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि वह अगली बार जब आएंगे तो उनका हवाई जहाज प्रयागराज के संगम में उतरेगा। कार्यक्रम में विधायक संजय गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को गदा देकर उनका स्वागत किया। सांसद कौशाम्बी विनोद सोनकर, विधायक लाल बहादुर, विधायक शीतला प्रसाद, जिलाध्यक्ष अनिता त्रिपाठी सहित तमाम लोगों ने स्वागत किया। गौरतलब हो कि केंद्रीय मंत्री तय कार्यक्रम के तहत 1:10 पर सकाड़ा स्थित जनसभा में पहुंचे। मंच की स्वागत के बाद नितिन गडकरी ने मंच संभालते ही विकास का ऐसा मानचित्र देश और प्रदेश की जनता के सामने रखा, जिसे सुन सभा स्थल पर मौजूद जनसमूह सपनों की दुनिया में खो गया। केंद्रीय मंत्री ने 2658 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसमें आधा दर्जन एनएच की परियोजनाएं शामिल रही। नितिन गडकरी ने कहा कि वह ब्लाइंड चेक दिए जा रहे हैं, जो बोलोगे वह पूरा कर दूंगा। केंद्रीय मंत्री समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पार्टी पर इशारों में हमलावर हुए। जनता से अपील करते हुए कहा कि 2017 तो ट्रेलर था, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बना देना, सुशासन कायम रहेगा। समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पार्टी पर बिना नाम लेते हुए हमला बोलते हुए कहा कि यह पिता पुत्र और माँ बेटे की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ हमारा लक्ष्य इस देश को राम राज्य स्थापित करने का है। कौशाम्बी से सुनील साहू की रिपोर्ट, प्राइम एटी न्यूज। एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, बना रहे हैं। एक 30,000 करोड़ का गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे, अभी हमने दिल्ली से हमारे मेरठ तक हाईवे बनाया। पहले 4 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट लग रहे हैं। बहनों और भाइयों, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में। परसों मैं देहरादून के पास था, मुख्यमंत्री जी मुझे बता रहे थे भाषण में कि देहरादून में दिल्ली से 10 फ्लाइट आती है रोज। मैंने बोला चिंता मत करिए, 2 साल के अंदर कागज पे लिख लेना, दिल्ली से देहरादून एक भी फ्लाइट नहीं आएगी, पूरी फ्लाइट बंद हो जाएगी। क्योंकि रास्ते से ही 2 घंटे में देहरादून पहुंचेंगे तो फ्लाइट में कौन जाएगा। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे पर। इसके बाद मैं एक ब्लैंक चेक दे के जा रहा हूँ केशव जी के हाथ में, और वो चेक में मैंने नीचे अपनी साइन कर दी है
ऊपर में जितनी अमाउंट आपको डाला और डाल दो वो चेक सौंपा कर मैं चला जाऊं। सबसे आज के इस कौशाम्बी के कार्यक्रम में जसरा बाईपास का शिलान्यास हो रहा।